गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेमेडियल में आज हम हिंदी ग्रामर की वर्कशीट करेंगे। हिंदी ग्रामर में हम विलोम शब्द को रिवाइज करेंगे। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, अपोजिट वर्ड। दोस्त ये शब्द हैं और ये इनके विलोम शब्द हैं। दोस्त दुश्मन, घुसना निकलना। बदहाल मतलब खराब हालत में, खुशहाल मतलब अच्छी हालत में, खुशी में। सुलह झगड़ा। उदय मतलब निकलना, अस्त मतलब छिपना। असली नकली। खरीदना बेचना। पाया खोया। जमीन आसमान। देव दानव, देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। गुरु शिष्य। बनाना बिगाड़ना। महंगा सस्ता। पहला आखिरी। विख्यात मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होना, अच्छे काम के लिए। और कुख्यात मतलब किसी भी गंदे काम के लिए प्रसिद्ध वो होना, नाम होना, जैसे डाकू होते हैं या चोर होते हैं कोई भी। कच्ची पक्की। उधर इधर। निंदा प्रशंसा। अपना पराया। गुरु शुरू अंत मतलब शुरू होना और अंत होना। बचपन बुढ़ापा। खड़ा बैठा। मैला साफ। हिंसा अहिंसा। स्वतंत्र परतंत्र। प्रकाश अंधकार। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये वो शब्द होते हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनके मतलब जो अर्थ एक जैसे लगते हैं लेकिन उनमें हल्का सा अंतर होता है। जैसे पुत्र, पुत्र तो होता है अपना बेटा, अपना खुद का, और बालक होता है कोई और बालक। कृपा मतलब किसी की सहायता करना, और दया मतलब दीन दुखियों पर पिघलना। कष्ट साधारण तकलीफ, और दुख आत्मा का अंदर से दुखी होना, मतलब एक बहुत गहरा पीड़ा होती है जो। अहंकार मतलब झूठा घमंड, और घमंड क्या होता है, दूसरों को अपने से छोटा समझना कि ये मेरे से बेकार है। पाप मतलब धार्मिक व नैतिक नियम तोड़ना, मतलब ऐसे काम करना जो धर्म के खिलाफ हो, जो नैतिक नियमों के खिलाफ हो। और अपराध क्या होता है, सामाजिक तथा सरकारी कानूनों को तोड़ना, जैसे चोरी करना आदि। पुस्तक कोई साधारण किताब होती है जैसे, और ग्रंथ क्या होते हैं, बड़ी अहम महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, इस तरह से जो पूरे धर्म की एक पुस्तक होती है, ग्रंथ होता है। सम्राट राजाओं का राजा, और राजा होता है एक सामान्य राजा। शोक किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खोने पर होने वाला दुख, और दुख क्या होता है, गलती पर अफसोस प्रकट करना, जैसे हमने कोई गलती करी। अस्त्र क्या होता है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे भाला वगैरह। शस्त्र क्या होता है, वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, जैसे तलवार वगैरह। तो आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।